नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। खालिस्तानी आतंकियों को बचाने की ट्रूडो ने जो चाल चली थी वो उल्टी पड़ गई। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा कर अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने का दाव कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अब भारी पड़ गया है। अब ना तो घर में और ना ही विदेशों में उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन पर सवालों की बौछार होनी शुरू हो गई है। भारत ने अब हर मोर्चे पर ट्रूडो को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की पोल खोली, तो वहीं बुधवार को भारत ने खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। एनआईए ने कुल मिलाकर 6 राज्यों में 51 जगह पर रेड की है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में छिपकर बैठे गैंगस्टर्स के संबंध खालिस्तानी आतंकियों संग होने के सबूत मिले हैं और अब इस नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके ठिकानों पर छापा मारा गया। यूएन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को साफ कह दिया कि सियासी फायदे के लिए आतंकवाद पर एक्शन से बचने की कोशिश मंजूर नहीं। वहीं यूएन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिस्कशन एट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में कनाडा के साथ तनाव के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। जयशंकर ने कहा, कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है, सारे कॉन्सुलेट्स पर हमले होते हैं। इन सबको ये कहकर सही ठहरा दिया जाता है कि लोकतंत्र में यही होता है। We have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. मंगलवार को यूएन के मंच से भारत ने कनाडा की करतूतों की पोल खोली, तो वहीं बुधवार को भारत ने खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। यह ऐसा प्रहार है जो कनाडा समेत दूसरे देशों में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की कमर तोड़ देगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में एक साथ रेड मारी गई है। एनआईए ने पंजाब में 30 जगहों पर, राजस्थान में 13 जगहों, हरियाणा में 4 जगहों, उत्तराखंड में 2 जगहों, दिल्ली और यूपी में एक एक जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कुल मिलाकर 6 राज्यों में 51 जगहों पर रेड किया है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में छिपकर बैठे गैंगस्टर्स के संबंध खालिस्तानी आतंकियों संग होने के सबूत मिले हैं और अब इस नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके ठिकाने पर छापा मारा गया है। लॉरेंस बम्बिहा और अर्श डल्ला गिरोह के सहयोगियों से संबंधित स्थानों पर छापेमारी हुई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग चर्चा में था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टक्कर देने के लिए बम्बिहा गैंग ने पाकिस्तान की मदद भी ली। वहीं अर्श डल्ला विदेश में छिपकर बैठा है और वहां से ही अपने अपराध को अंजाम दे रहा है। डल्ला के करीबी हैरी मोर, गुरप्रीत सिंह गुरी और गुरमैल सिंह के ठिकानों पर पंजाब में रेड मारी गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों की इस फंडिंग की चेन को खत्म करने के लिए एनआईए बड़ा एक्शन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स इकट्ठा किए हैं। अब तक जितने भी गैंगस्टर और खालिस्तानी को यूएपीए में गिरफ्तार किया है
उनसे पूछताछ के आधार पर गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम किया जा रहा है। एनआईए अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर के समर्थकों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर चुकी है। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रास्ते भारत में न सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई की जाती है बल्कि आतंकियों को भेजा जाता है। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उसे भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना है तो उसके लिए गैंगस्टर्स उसकी मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि हथियारों के लालच के जरिए गैंगस्टर को अपनी ओर किया जा रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए इस्लामिक आतंकियों के बजाय खालिस्तानी आतंकियों की मदद ली जा रही है। कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकी लगातार आईएसआई के संपर्क में हैं, लेकिन अब तमाम आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। ट्रूडो ने जिन खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत से पंगा लिया, अब उन खालिस्तानी आतंकियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो खालिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए ट्रूडो ने जो चाल चली थी वो उल्टी पड़ गई है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा कर अपने खालिस्तानी आकाओं को खुश करने का दाव कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो पर भारी पड़ गया है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर क्रोडी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर वेद भूषण जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा जी भी इस डिबेट में शामिल होंगे। पहला सवाल विद्भूषण जी आपसे ही है। अब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को ही आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानते थे। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जहां भारत के अपराधियों और आतंकवादियों को शरण मिलती थी। सर, कनाडा तो इस मामले में पाक से भी दो कदम आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए रेशु, ये जो कोल्ड वार थी बिटवीन इंडिया और कनाडा बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, परंतु वो धीमी थी। G20 के सम्मेलन में जब जस्टिन ट्रूडो आए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस माचिस को तीली को आग लगाना चाहते थे वो इतनी बड़ी अंगारा बन के निकल कर आएगी। इसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब उनको इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, गधा तो नहीं कहा जा सकता, पर जो उनकी हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर करती है कि उन्होंने जो अपने लिए एक नासूर पैदा कर लिया है उसका हिसाब किताब अब हिंदुस्तान मजबूती से देने को तैयार है। अभी आपने दिखाया यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से हमारे मंत्री ने भरपूर एक मजबूत तरीके से जवाब दिया। पूरे पंजाब के अंदर, तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह एनआईए सीबीआई की रेड कंडक्ट की जा रही है। जितने भी इनके बैंक अकाउंट थे, जितने भी इनके कनेक्शन थे, सीसीटीवी फुटेज और जो जितने भी कॉल डिटेल्स थे सारे खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर जो एक उभरता हुआ हिंदुस्तान के लिए खतरा था, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जगह जगह हिंदू मंदिरों पर अटैक करना और इस तरह की चीजें करना, गुरुद्वारों के अंदर टेररिस्ट के फोटो लगाना जिनको जो वांटेड थे, और कनाडा ने वो तमाम काम किए जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, परंतु धीरे धीरे आग लग रही थी। गुरुद्वारे के ऊपर आतंकियों के फोटो लगाए जाते हैं, उनको कनाडा में पूजा जा रहा है, इसको लेकर तो मैं चर्चा करूंगी सर, लेकिन एनआईए ने एक साथ कई जगह पर रेड की है, उसके पास सबूत हैं कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। सर, ये मॉड्यूल नए हैं या पहले भी इस तरह का नेक्सस देखने में आया है? देखिए, जो हवाला ट्रांजेक्शन थी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही थी पंजाब के अंदर के जिससे लग रहा था ड्रग्स कार्टेल का, और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा कार्टेल बन चुका है जिसके लिए जरूरत है कि इनके ऊपर अटैक करना, और ये सबसे राइट टाइम था जब हिंदुस्तान ने सही मौके का इस्तेमाल करके, एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनको एक बिल्कुल
जमीन पर ला दिया, उनको पैरों के घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से लगातार कंटिन्यूस रेड्स की जा रही हैं और जो भारत सरकार तमाम ओसीआई के से रिलेटेड जो कदम उठाए गए हैं, तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और तमाम बिल्कुल जो उनके डिप्लोमेट्स को उधर से निकाला गया उतना शार्प रिएक्शन इंडिया ने दिया, तो कभी कनाडा ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान इतनी मजबूत तरीके से रिबाउंस करेगा उनके ऊपर। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी चर्चा, अभी वहाँ पर कल एक बहुत बड़ी रैली होनी थी, वहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप फ्लॉप हो गई, वहाँ पर पुलिस वाले ज्यादा थे और जो डिमोन्स्ट्रेशन थे वो कम थे, तो मैसेज तो पहुंच गया जहाँ हिंदुस्तान पहुंचाना चाहती थी। अब आगे आने वाले टाइम में और जो चीजें घटित हो रही है उसके कहीं ना कहीं रिपरकशन होंगे। सर मेरे एक दो सवाल और हैं आपसे। ठीक है सर, मेरी एक दो सवाल पूरी हो सकती है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर उनको कुछ उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पर हिंदुस्तान अब सॉफ्ट टारगेट नहीं है, अब वो नहीं रह सकता, क्योंकि इस तरह के जवाब हिंदुस्तान ने केवल कनाडा को नहीं दिए, दूसरे कंट्रीज को भी दिए। मंत्री जयशंकर जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग ड्यूल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं अब वो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको अपनी पॉलिसी क्लियर करनी ही पड़ेगी। और ये कनाडा के लिए बिल्कुल सही जगह पर हिंदुस्तान ने अटैक किया है, सही जगह पर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। बिल्कुल सर, सही जगह पर सही टाइम पर एक्शन लिया गया है वेदभूषण जी, लेकिन खालिस्तान नेटवर्क पर जिस तरह से सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, सर यहाँ एक बात गौर करने वाली होगी कि जब खालिस्तान का आरोप लगता है तो कम्युनिटी खुद को डीजोन कर लेती है, जबकि कार्रवाई होने पर इसे कम्युनिटी डिफेंस से जोड़ दिया जाता है। सर इससे तो हिंसा भड़क सकती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा सीएनआरसी के दंगे हुए, किस तरह से लाल किले के ऊपर एक धार्मिक निशान वहां पर झंडा लगा दिया गया। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीजें सीएनआरसी के दंगों में हुए, किसान आंदोलन से रिलेटेड दंगे हुए और बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हो रही थी कि भारत सरकार इंतजार में थी कि कोई ऐसा मौका आए तो उसका मजबूत तरीके से जवाब दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, आपको याद होगा कनिष्का के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तमाम एक्यूज को वहाँ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बरी हो गए। इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरा जहाज का जहाज उड़ा दिया गया, बॉम्बिंग कर दी गई, उसके बावजूद भी कनाडा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाया, उनको कन्विक्ट भी नहीं करा पाया। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी उनके अंदर, वो तमाम एविडेंसेस कोर्ट में प्रॉपर तरीके से पेश नहीं किए गए। अदरवाइज इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाए, पूरा जहाज ही उड़ा दिया जाए और जो टेररिस्ट है उनको असाइलम दिया जा रहा है, जिसको जो हिंदुस्तान से भागे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी मजबूरी की वजह से उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया, जिसके खिलाफ यहाँ केस रजिस्टर थे, जो एक पासपोर्ट पर वहाँ पर ट्रेवल करके गए हुए थे उन सबको उन्होंने अपनी नागरिकता दे दी। तो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होने थे, परंतु अब सवालों का सिलसिला शुरू हिंदुस्तान ने कर दिया है। अब कनाडा को देखना होगा कि कैसे इस चीज से निमटते हैं, कैसे हमारी चीज जो हमने रिबाउंड। बिल्कुल, अब कनाडा को जवाब देना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ विजय खेरा जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत विजय खेरा जी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर चंद्रेश कुमार जी आपसे है, क्योंकि देखिए कनाडा और भारत के रिश्ते कभी भी इतने खराब नहीं हुए थे जितने आज के समय में हैं। दोनों देशों के बीच इस समय ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर इनकी सीमाएं आपस में कहीं लग रही होती तो शायद वहां भी तनाव देखने को मिलता। देखिए, आजादी के पहले से ही भारत का कनाडा के साथ सामरिक संबंध रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। भारत के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कनाडा में रहकर आंदोलन को गति देते रहे। अभी भारत विरोधी जो आतंकी संगठन खालिस्तानी संगठन जो है कनाडा में जिस तरह से डेवलप हो रहा है और वहां की सरकार इस बात को दरकिनार कर रही है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कनाडा को ये समझना चाहिए कि भारत 1,40,00,000 लोगों का देश है और हमारे पास हर तरीके से हम सक्षम है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकें। यदि भारत की संप्रभुता को चैलेंज देने का काम दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी किसी भी कोने में हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए हम सक्षम है। कनाडा के प्रधानमंत्री का जो रवैया रहा टेररिज्म को लेकर उसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, ना कोई भारतीय स्वीकार कर सकता और ना ही कोई दुनिया का व्यक्ति जो लोकतंत्र का हिमायती है वो स्वीकार कर सकता। खालिस्तानी भारत अगेंस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा है तो कनाडा के प्रधानमंत्री को इस विषय को संज्ञान में लेते हुए
कनाडा में सफाई अभियान चलाना चाहिए, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए आज विषय पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता जी, बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए, जुड़ा हुआ विषय है, भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल जब भारत की बात आएगी तो सारी पार्टी आएगी, इसको समझने की कोशिश करूंगा जी। ठीक है विजय जी, इस तनाव की आग को भड़काने के पीछे कनाडा के पीएम का बयान तो है ही, लेकिन जो चिंगारी दशकों से भारत और कनाडा के बीच सुलग रही है उसका नाम खालिस्तान है। देखिए खालिस्तान के लिए 1987 से लगातार 26 बार लिखा जा चुका है निर्जन के लिए, और ये लिखने के लिए लिखा गया कि आप क्या ये गलतियां हैं इनको रोकिएगा, 10 लाख का इनाम भी रखा था गया था उसके ऊपर, इसके निर्माण भी भेजे भारत ने अभी हाल में कई करीब करीब 10 भयानक आतंकवादियों के उन्होंने नाम भी भेजे, उसके बावजूद कनाडा ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जी। और क्या कहा, एक बात के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसको आप कहते हैं तो जब ट्रक की स्ट्राइक हुई थी कोरोना में और अमेरिका के रस्ते जब बंद कर रहे थे ट्रक वाले सप्लाई नहीं कर रहे थे तो तब आपने उनके ऊपर क्यों अत्याचार किया, सब उठा के अंदर डाल दिया, तब आपको सब दिखाई नहीं दिया, इमरजेंसी लगा दी थी, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन उसको अपने यहाँ होता है तो नहीं मानते हैं, पर दूसरे देश के खिलाफ होता है तो उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं। दूसरी बात, कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमारे अगर रिलेशन से कोई भी दो कंट्री के तो ये समझी सोची ही एक निर्णय है कि वो अपनी जमीन पर दूसरे देश के खिलाफ ऐसी कोई गतिविधि अलाउ नहीं करेगा जो उसके विखंडीकरण को करे, ये अंडरस्टूड है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सिद्धांत है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया। तीसरी बात, आपके पिताजी ने खुद ने जासूसी कराई थी क्यूबेक के लिए, जो उनके हिस्सा है जहाँ पर फ्रेंच पूरे फ्रेंच बसते हैं और अंतरराष्ट्रीय की मांग कर रहे थे, इनके पिता थे पियर ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने पूरी जासूसी कराई थी और उसमें क्लियर कट सामने भी आया था। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अगर यहाँ से वहाँ पोस्टिंग में कोई देश के हित में कोई बात को जानने की कोशिश करता है तो अमेरिका इंग्लैंड पांचों देश इनका अपना अलायंस खुद करता है, जिसको ये 5 कंट्री जिसके 5 आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और किसी बात को जानने की समझने की कोशिश ही यहाँ पर नहीं की कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जो खालिस्तानियों की तरफ से कहा जा रहा है उसी बात को वो आंख बंद करके स्वीकार करते जा रहे हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर जो कि एकदम निराधार हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी, खालिस्तानियों के लिए तो इस समय कह सकते हैं कि कनाडा में स्वर्ग जैसी स्थिति हो गई है, कनाडा और ट्रूडो को अपने वोट बैंक के आगे अब कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि ये खालिस्तानी चुनावों में ट्रूडो के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। सर, क्या इसी वजह से ट्रूडो खालिस्तानियों की आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं और भारत का विरोध जता रहे हैं? अब देखिए रेशु जी, मैं एक बात सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है आतंकवाद विरोध में। आज से 27-28 साल पहले यूएन जनरल असेंबली में भारत पहला देश था जिसने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव रखा, वो आज तक पास नहीं हुआ। इसके बाद निरंतर रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के और दूसरे बहुपक्षीय मंच हैं, G20 हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, सब जगह ये सवाल उठाता रहा है आतंकवाद का कंसिस्टेंट पॉलिसी है। हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो बहुत एफिशिएंट है, वो इंडियन टेरिटरी में कर सकते हैं, लेकिन कनाडा एक दूसरा देश है तो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कुछ नहीं कर सकती, वहाँ एक उनकी एक सीमा है। तो अगर इसको आज जो अभी जो इश्यू आया है उसमें इसके 4 पक्ष हैं। हरदीप सिंह को असेसिनेशन हुआ उसको लेके एक आरोप लगा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी पे, जिसमें ये कहा जाता है कि अमेरिका ने कुछ फीडबैक दिया अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कि भारत की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, इसका अर्थ है अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके, और फिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया कि इंडियन एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, उसके प्रूफ मेरे पास है, प्रूफ जो उसने अभी तक नहीं दिए हैं। एक तो ये इमीडिएट काज है जी। उसके बाद भी हत्या हुई है
सुखदूल सिंह की 20 सितंबर को हुई है वो एक अलग हत्या है। तो एक तो ये पक्ष हो गया तात्कालिक, दूसरा पक्ष है कि इनसे जो अपराध जगत है, अंडरवर्ल्ड है, वो जुड़ा हुआ है। तीसरा है कि जो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, अतिवादी हैं, जो भड़कता की बात करते हैं, और चौथा पक्ष है जो अपने लिटरेचर से या दूसरे एक डिस्कोर्स से, ज्ञान से फैला रहा है कि एक सिख होमलैंड है, उसमें पूरे एरिया का जो विचार फैला रहे हैं। तो ये चार पक्ष हैं, ये चारों पक्ष कंबाइंड हो गए और अपराध इनका एक लाइफ लाइन हो गया, अपराध जगत से इनको लाइफ लाइन मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। और जो अपराध है और उसकी वजह से जो मनी जेनरेट होती है, उसके लिए एनआईए ने इंडिया में छापामारी की है। लेकिन दूसरे देशों में छापामारी किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उन्होंने कहा है कि कॉल फॉर न्यू वेव ऑफ सिख होमलैंड। तो इस तरह का मीडिया वहां इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है। तो आज की स्थिति में जो विकसित देश हैं, विशेष रूप से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है उसका ध्रुवीकरण हो गया है, हिंदू वर्सेज सिख, मुस्लिम्स उसमें दूर हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिया की जो इमेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो करें, ये तो हिंदू इंडिया है। तो इस तरह का जो इंडिया की इमेज कंस्ट्रक्ट हो रही है वो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और जब दोनों की हिंसा होती है, सिख वर्सेज हिंदू, तो वहाँ के नागरिक ये कहेंगे कि आपकी आपस की लड़ाई, आप हमारे समाज में हिंसा कर रहे हो, आप हमारे समाज में घृणा फैला रहे हो, तो भारत के विरुद्ध एक अलग तरह की मानसिकता वहाँ विकसित होगी। तो इसके जो लॉन्ग टर्म परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। बिल्कुल, कनाडा में तो चाहे हिंदुओं की बात की जाए या सिख की बात की जाए, सभी यहाँ पर बसे हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम थोड़ा विस्तार से भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सर देखिए, कनाडा के सरे नाम के शहर में एक गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे की दीवार पर एक आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार की तस्वीर आज भी लगी है। तस्वीर को अभी तक नहीं हटाया गया। तलविंदर सिंह परमार सर वो आतंकी है जिसे खालिस्तानियों और अलगाववादियों का मसीहा माना जाता है। 1970 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी, तब तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों के लिए फंड की व्यवस्था की। बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम का एक संगठन उसी ने बनाया जो कट्टर खालिस्तानी गिरोह है। 80 के दशक में सर जब पंजाब में ज्यादातर हत्याओं हुई थी, तो उस वक्त भी सबसे पहला नाम अगर किसी का आया था तो वो तलविंदर सिंह परमार का ही सामने आया था। अक्टूबर 1992 में जब वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसा तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। लेकिन सर आज भी कनाडा ऐसे आतंकवादी की तस्वीर गुरुद्वारे की दीवार पर लगा रहा है, तो उसके स्तर को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो या उनकी जो पूरी सरकार है वो इन आतंकियों और आतंकवादियों का अपीजमेंट करने की कोशिश कर रही है, उनका तुष्टिकरण करने की कोशिश कर रही है। और वो जाहिर है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो अपने अंदर, अपने घर के अंदर अपने भस्मासुरों को पाल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो भस्मासुर हैं वो पाकिस्तान के लिए ही घातक बनते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने तलविंदर सिंह परमार की चर्चा की, तो ये भी एक बड़ा भस्मासुर था जिसको कि कनाडा ने पाला पोसा बड़ा किया था। और यही जो तलविंदर सिंह परमार है वो 1985 की जो कनिष्का बमिंग का मास्टरमाइंड था जी। और ये जो कनिष्का बमिंग हुई थी 1985 में, उसमें 329 लोग जो मारे गए थे, उसमें सबसे ज्यादा जो अगर नागरिक थे तो कनाडाई नागरिक थे सर। 82 बच्चे थे उसमें, 82 बच्चे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे ज्यादा जो कनाडा के लोग ही इसमें मारे गए थे। तो कनाडा में इस और ये जो कनिष्का बॉम्बिंग है वो 9/11 के पहले का सबसे बड़ा जो एविएशन टेररिज्म का जो कोई भी इंसिडेंट हुआ है वो सबसे बड़ा इंसिडेंट था, उसके बाद 9/11 की घटना होती है। तो ये कनाडा पहले ही इसका भुक्तभोगी रह चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि कनाडा की सरकार ने इससे कोई लेसन नहीं लिया है। कनिष्का जो बॉम्बिंग हुई थी तो उस समय उनके जो पिता पियरे ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो के जो पिता थे, पियरे इलियट ट्रूडो उस समय के प्रधानमंत्री, तो उस समय भी
तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जाती रहती थी कि तलविंदर सिंह परमार के ऊपर एक्शन लेकर के दिखाएं। बंपर खालसा का ये जो सरगना था और लगातार ये भारत के विरुद्ध साजिशें रच जाता था। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्ट है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने कनिष्का बॉम्बिंग को लेकर के एक तो बहुत ही सीरियस और बहुत ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट दिए थे कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन वहाँ की कनाडा की तत्कालीन इंटेलिजेंस एजेंसी ने और उस समय की जो सरकार पे टूडो की थी उसने उसको इग्नोर किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कनिष्का की बॉम्बिंग हो गई। आज भी भारत यही कर रहा है कि भारत लगातार कनाडा को कह रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि आप वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है उसको आप लगाम लगाइए। वहाँ पर जो आतंकी अतिवादी तत्व छुपे हुए हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे और अन्य जो है आतंकी खालिस्तानी तथा कथित खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं उनको उनके ऊपर आप लगाम लगाइए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो भारत के खिलाफ साजिश रच ही रहे हैं कि कनाडा के लिए भी घातक साबित होंगी, ये बात भारत लगातार कह रहा है। और क्या और कनिष्का की बॉम्बिंग ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो कनाडा के लिए घातक साबित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कनाडा की वर्तमान सरकार है वहाँ के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी सरकार को बचाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड जिसको कहते हैं एक बेसलेस एब्सर्ड एलिगेशन उन्होंने भारत के ऊपर लगा दिया। लेकिन अब आप देखिए तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। बिल्कुल परिणाम अच्छे नहीं होंगे क्योंकि कहा भी जाता है ना सर कि जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके आंगन में फूल खिलेंगे। आप सभी से ये चर्चा जारी रहेगी लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। पर अटैक को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी, जहां से ब्रेक से पहले छोड़ा था संजीव श्रीवास्तव जी ने, उसी बात से एक बार फिर से हम यहां शुरू करना चाहेंगे। सर, कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था जब 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट कनिष्क नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। इसमें कुल 329 लोग सवार थे, इसमें 82 बच्चे भी शामिल थे। इस प्लेन को दिल्ली पहुंचने से पहले लंदन में रुकना था लेकिन यह विमान बीच में ही ब्लास्ट हो जाता है और बाद में इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार निकलता है। सर, ऐसे लोगों की गुरुद्वारा के ऊपर बकायदा कनाडा में फोटो लगाई जाती है, ऐसे लोगों को मसीहा माना जाता है। देखिए रिशु जी, ये बहुत पहले की बात है और उस समय इस तरह की घटना हुई और उसको सर ये पहले की बात है गुरुद्वारे में लेकिन आज भी गुरुद्वारे के बाहर फोटो बकायदा लगी हुई है, खालिस्तानी मसीहा मानते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आई। हमारे राजनीतिक दलों के साथियों ने जिस तरह का संतुलित स्टैंड लिया है, राजनीतिक दल शायद भारत में राजनीतिक दृष्टि से कोई मतभेद ऐसे इश्यूज पे नहीं है। अगर भारत की आंतरिक सामर्थ्य होगी, स्ट्रेंथ होगी और कनाडा पे दबाव बनाएंगे तो कनाडा को अल्टीमेटली एक्शन लेना पड़ेगा, कनाडा एक्शन से बच नहीं सकता। लेकिन एक हम कूटनीति में एक चीज कहते हैं कि कूटनीति वो होती है सफल कूटनीति जहाँ रास्ता नहीं दिखे वहां हम रास्ता निकालें, सफल कूटनीति उसको कहते हैं। तो भारत आंतरिक मामलों में तो बहुत ही एफिशिएंट एक्शन ले सकता है लेकिन जहां अंतरराष्ट्रीय संबंध है, संप्रभु राष्ट्रों से डील करना होता है और विशेष रूप से विकसित राष्ट्रों से, तो वहां बड़ा डिफिकल्ट होता है। कनाडा वो कनिष्क की घटना के बाद भी भारत का अच्छा मित्र रहा, कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डेलीगेशन यहाँ अभी आने वाला था। तो कनाडा से हमारे होस्टाइल रिलेशन नहीं है, इश्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रही, उस समय प्रॉब्लम रही, अब प्रॉब्लम है कनाडा के साथ। तो कनाडा जैसे पाकिस्तान के भारत के रिश्ते होस्टिलिटी के हैं, कनाडा और भारत के होस्टिलिटी के रिश्ते नहीं रहे। कनाडा की आंतरिक राजनीति है वो उस इसको प्रभावित करती है और आंतरिक राजनीति में जो कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। वो पॉलिटिकल कैपिटल की वजह से प्रजातंत्र में राजनीतिक नेतृत्व है वो वोट के लिए कहीं न कहीं ऐसे तुष्टीकरण की नीति अपनाता है और मेरे ख्याल से जस्टिन ट्रूडो ने यही किया है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि गुरुद्वारे के प्रति जिस तरह का सिख समुदाय का लगाव है और उसको टच करना,
क्योंकि ये कूटनीतिक तरीके से हो सकता है जी। क्योंकि हमने स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसके पॉइंट अभी भी गए नहीं है, तो किसी की धर्म की आस्था, क्योंकि सिख एक एथनिक और धार्मिक कम्युनिटी है, तो उससे हम किस तरह से डील करें, इसके लिए हमें कूटनीतिक और राजनीतिक समाधान की तरफ सोचना चाहिए। और जो सिख अलगाववादी नहीं है, जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनको साथ लेके हमें कन्विंस करना चाहिए कि भाई भारत आपका भी है, भारत सबका, सिखों का भारत भी है, हिंदुओं का भी है, मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का, भारत सबका है। तो भारत के विरोध में जो कुछ हो रहा है उनको हमें पृथक करना पड़ेगा। अगर हमने पूरी सिख कम्युनिटी को सेपरेटिस्ट और खालिस्तानी ब्रांड कर दिया तो उसके बड़े डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये गलत है कि किसी ने अपराध किया है और उस अपराधी की किसी धार्मिक स्थान पे फोटो लगा के उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसका कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये कूटनीतिक तरीके से हो सकता है, और ये कूटनीति केवल भारत और कनाडा के बीच नहीं, भारत को जो कनाडा के मित्र राष्ट्र हैं, जिसको हम फाइव आईज कंट्री कहते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, उनके साथ मिलके कोई न कोई एक्शन के लिए कनाडा को तैयार करेंगे, और मुझे लगता है कनाडा अल्टीमेटली तैयार हो जाएगा इसके लिए। जी वैसली, बिल्कुल, अभी आपने फाइव आई की बात की, तो जाहिर सी बात है ना सर कि अब भारत लगातार सबूत भी मांग रहा है, जिस तरीके से ट्रूडो लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो चलिए हमें आप सबूत नहीं दे सकते, तो फाइव आई को तो आप सबूत दे सकते हैं ना, उनसे क्या पर्दा है। देखिए रेसु जी, आपने जो फाइव आईज की बात कही ना, ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और इंटेलिजेंस के अपने एजेंट्स होते हैं, अपने चैनल्स होते हैं, तो कोई भी इंटेलिजेंस वाला है अपने चैनल्स को रिवील नहीं करना चाहेगा। इसमें ऐसी न्यूज भी आ चुकी है कि यूएस इंटेलिजेंस ने कनाडा को इन्फॉर्म किया कि इस तरह का हो रहा है, इंडियन इंटेलिजेंस ये करवा रही है, तो यूएस भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे जो डीप स्टेट एजेंसीज होती हैं, उनके ऑपरेशंस होते हैं, उनको कोई भी स्टेट है वो रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो क्लियर कट एविडेंस हैं और वो देंगे तो उनकी इंटेलिजेंस एक्सपोज होगी। तो हो सकता है एविडेंस हो नहीं, केवल गुप्त स्थिति हो, ऐसे ही एक बनावटी स्थिति हो सकता है एविडेंस हो, अगर है तो भी वो उस तरह के एविडेंस कभी भी शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कनाडा को यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने यह आरोप राजनीतिक प्रभाव की वजह से या अपनी जो प्रजातांत्रिक पॉलिटिक्स है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, ये आपने बहुत लास्ट में जो बात कही ये बहुत अहम बात यहाँ पर कही कि राजनीतिक प्रभाव के चलते, चलिए मान लें इस चीज को कि हमने इस तरह की बातें यहाँ पर कही हैं। लेकिन विजय जी देखिए कि साल 2019 में कनाडा में जब चुनाव हुए तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी बहुमत से दूर हो गई, ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सबसे ज्यादा 157 सीटें जरूर मिली, लेकिन वो बहुमत से 20 सीटों की दूरी पर थे। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता था, एनडीपी से गठबंधन। एनडीपी को इस चुनाव में 24 सीटें मिली थी, ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एनडीपी से गठबंधन कर लिया। अब ट्रूडो पर एनडीपी का दबाव हमेशा रहता है, एनडीपी वो पार्टी है जिसे खालिस्तान समर्थकों का पूरा सपोर्ट रहता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी है कि वो अपने पार्टनर और उसके समर्थकों को खुश करने के लिए इस तरह के उल जलूल बयान देते रहे। आपके प्रश्न का जवाब तो अभी मिला नहीं। आपने प्रश्न किया था कि तस्वीर टंगी है गुरुद्वारा में, कोई जवाब आपको मिला नहीं। दोनों तीनों बातें आपने प्रश्न अभी किए, एक का भी जवाब अभी आपको मिला नहीं। जी, अगर आप इजाजत दें तो दो मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जी सर, देखिए मेरा काम है सवाल पूछना, अब कौन कितना जवाब देता है, मैं तो दो तीन बार पूछ चुकी हूँ। अभी आपने जो बोला वो जवाब था, अभी आपने जो बोला एनडीपी पार्टी के बारे में, डीडब्ल्यू पार्टी के बारे में, तो आपने बोला ये जवाब था। सच बात ये है, क्योंकि तस्वीर वहाँ टंगी हुई गुरुद्वारा में इसलिए टंगी हुई है कि खुद उसके अध्यक्ष खालिस्तान समर्थक है धालीवाल जी, जिनकी 24 सीटें आई हैं आप बता रहे थे, और 13 सीटों का बहुमत कम था ट्रूडो के पास, तो वो उनके सहारे पर सरकार चला रहे हैं, और वो खुद आतंकी समर्थक थे खालिस्तान के धालीवाल जी, इसलिए उनका वीजा पहले भी मना किया गया था, अभी की बात नहीं है, पहले भी उन्हें मना किया गया था।
तो ये सवाल है कि जब उनकी सरकार उनकी दम पर चल रही है तो वो मजबूर है और वो खालिस्तान समर्थक है इसलिए फोटो टंगते हैं, इसीलिए उनके फोटो वहां टांगे जाते हैं और उनको ये रोकते नहीं है और इसीलिए वो दबे हुए हैं। ये राजनीतिक जो समीकरण है, अब क्या मेलविस्की वहां के बड़े भारी राइटर मेलविस्की ने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा है ब्लड फॉर ब्लड खालिस्तान ग्लोबलाइजेशन फॉर 50 ईयर, उसमें उन्होंने साफ इस बात की आगाह किया है कि लोकप्रियता तो उसकी कम होती जा रही खालिस्तान की। और अभी आपने देखा भी होगा, अभी जो मैक्सिमम ने प्रदर्शन किया कुल 30 लोग थे, जहाँ 500-700 लोग आ जाते, कुल 30 लोग थे। तो मेलविस्की की वो चेतावनी बिल्कुल सही निकली। दूसरी बात उन्होंने एक और लिखी थी कि इस मजबूरी में पाकिस्तान का और चीन का दुश्मन है भारत, इसलिए वो मदद करते हैं। उन्होंने किताब में लिखा, मेलविस्की साहब ने ये खुद लिखा है, और इसीलिए उस दुश्मनी के लिए कनाडा ये खतरा मोल ना ले, उन्होंने ये वार्निंग दी थी, क्योंकि अभी वो भारत नहीं है और वो सामने प्रमाणित होगा। ये मोदी नरेंद्र मोदी का भारत है, ये जयशंकर जी का भारत है, दो टूक जवाब भी देता है, दो टूक एक्शन भी लेता है। जो कनाडा को उन्होंने, जैसे ही उन्होंने डिप्लोमेट हटाया हमने डिप्लोमेट हटा दिया, जैसे ही उन्होंने वार्निंग दी हमने वार्निंग दी, हमने भी वीसा बंद कर दिया कैनेडियन का। लेकिन हमने तो फिर भी इतना रहम दिल दिखाया ना कि 5 दिन का समय दिया था, उन्होंने तो 5 दिन का समय भी नहीं दिया। मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी चंद्रेश कुमार जी आपसे भी, जो सवाल अभी मैंने विजय जी से किया। लोकतंत्र देख रहे हैं आप और कई खास मेहमान पैनल में चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रेश कुमार जी, जैसा कि अभी मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले विजय जी से भी, तो वही मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूं कि क्या एनडीपी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खालिस्तान का हमेशा वो समर्थन करती है, हमेशा उसके पूरे सपोर्ट में रहती है, तो क्या ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी है कि वो अपने पार्टनर और उसके समर्थकों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे? मैडम, बड़े क्लियर में बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का कौन देश क्या करता है, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, इसमें हमें ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी होगा एनडीपी का, उनके साथ ट्रूडो के साथ क्या रिलेशन है उनका मैटर है, वो जाने। हम ये जानते हैं कि यदि कोई भी एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट हो रही है या इंडिया के सॉवरेनिटी के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही थी, उनकी एक्टिविटी क्या थी कि खालिस्तानी आतंकी संगठन कनाडा में आगे बढ़ रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखें और इसे हिंदू वर्सेस सिख करने की कोशिश न करें। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस सिख की नहीं है, तमाम सिख ऐसे हैं जो देश की मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं और भारत के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वो व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला के कर रहे हैं, खेती करके कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, तमाम तरीके से भारत की सेवाएं कर रहे हैं। तो इसको सिख से जोड़ने की कोशिश न किया जाए। खालिस्तानी मूवमेंट यदि कनाडा में फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी की फेल्योर भी है कि सरकार उसको पिछले 9 सालों में कंट्रोल नहीं कर पाई। अब जब सर माथे 2024 का चुनाव है तो आप इस विषय को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, इससे पहले 9 साल आप क्या कर रहे थे? फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर हम सरकार के साथ हैं, भारत के विरोध में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इससे पहले रिश्ते इतने खराब भी नहीं रहे, इससे पहले प्रधानमंत्री ने कनाडा के इस तरह का कोई बयान भी नहीं दिया था, अब उन्होंने बयान दिया है, आरोप लगाए हैं, तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन संजीव जी, खालिस्तान मूवमेंट को आईएसआई मदद पहुंचाता रहा है, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं सर, उससे लग रहा है कि इसका बड़ा नेटवर्क है। खालिस्तान को आईएसआई की लगातार मदद रही, पहले भी खालिस्तान का जो आतंकवाद था उसके उसको पाकिस्तान पूरा सपोर्ट करता था। वो भारत को जो 1000 कट्स की जो उनकी एक कुत्सित मानसिकता थी, नीति थी, उसके तहत भारत को अस्थिर करने की, भारत को तोड़ने की, विखंडन कराने की वगैरह की वो साजिशें रचते थे। लेकिन जाहिर है कि हमने उसका जो है कड़ा मुकाबला किया और खालिस्तान के मुद्दे को जो हमने समाप्त कर दिया। लेकिन अब फिर से जब आपने पाकिस्तान की चर्चा की है तो मैं एक बात अवश्य यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी भी आज भी
ये जो खालिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट कर रही है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है, और ये जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हमने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है। जम्मू एंड कश्मीर में आज आतंकियों की स्थिति ये हो गई है कि वो जंगलों में टायरों की तरफ से छुप करके हमले करते हैं, क्योंकि जो अन्य जगहों पर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और 2017 से लगातार चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के ही आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई करते हुए हमने 2 स्ट्राइक्स की, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और आगे भी किसी तरीके का ऑप्शन ओपन है। तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है जो कि आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे, वो बहुत परास्त नजर आते हैं। लेकिन एक चीज और ना संजीव जी, खालिस्तान एक बात मैं कंप्लीट कर लूं। जी प्लीज। तो जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जो हताशा और निराशा है, जब वो कोई बड़ी घटना कराने में वो पहले के तरीके का आतंकवाद कराने में सफल नहीं है, तो वो विदेशी धरती से जा करके वो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। तो ऐसे में वो फिर से खालिस्तान के मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है रिवाइव कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें जो सफल नहीं होंगे। तो आप चाहे वो हमारी धरती हो यहाँ भारत में हो या विदेशों की धरती हो, ये जो नया भारत है आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके ऊपर हमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट आपने बताई किस तरीके से एनआईए कार्रवाइयां कर रही है। बिल्कुल, हम आतंकवाद को तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन सर खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान की एजेंसियां सपोर्ट करती रही हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी इसका ना तो समर्थन किया और ना कभी स्वीकार किया है, जबकि कनाडा ने तो अपने बचाव में अपने कूटनीतिक संबंध भी दांव पर लगा दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान तो अपने डिनायल के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान लगातार आतंकी कृत्य कराता है और फिर दुनिया में झूठ घूम करके झूठ बोलता है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया और ये हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। यहाँ तक कि मुंबई का जो टेरर अटैक था उसमें कसाब जैसा जो आतंकी जिसको कि हमने वहां पे पकड़ लिया था उसको भी उसने बताया कि हमारा नागरिक नहीं है। जो साजिद मीर जैसा जो एक आतंकी जो कि पाकिस्तान में मुंबई 26/11 का जो मास्टरमाइंड था उसको कभी पाकिस्तान बताता था कि हमारा नागरिक नहीं है, फिर कभी बताता था कि वो मृत्यु हो चुकी है, फिर अभी पता चला है कि वो जेल में है। तो पाकिस्तान को तो झूठ और फरेब का गढ़ है, इतिहास रहा है उसका झूठ फरेब का, हमेशा वो डिनाइल मोड में रहता है। कोई बड़ी घटना होती है आतंकवाद की जो पहले जो घटनाएं होती थी उसमें हमेशा वो डिनाई करता था। आज तक मुंबई टेरर अटैक के जो मास्टर माइंड है उनके विरुद्ध कार्रवाई आज तक उन्होंने नहीं की है, और आज तक भी वो जो है फेक ट्रायल करते हैं। तो ये पाकिस्तान का तो इतिहास ऐसे ही रहा है कि जिसमें कि वो झूठ फरेब का सहारा लेते हैं, आतंक और हिंसा का सहारा लेते हैं। तो खालिस्तान के मूवमेंट को भी जो पहले का जो खालिस्तान का जो आतंकवाद था उसको पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट हासिल था, लगातार उनको हथियारों की सप्लाई होती थी, हर तरह की साजिशें होती थी, लेकिन पाकिस्तान उसको डिनाई कर जाता था। आज भी बिल्कुल कनाडा भी तो उसी रास्ते पर चल रहा है अब करोड़ी सिंह जी, क्योंकि कनाडा बार बार जिन सबूतों की बात करता है सर, उससे कहीं ज्यादा सबूत भारत ने उसको उपलब्ध करा रखे हैं कि कैसे उसकी धरती से भारत विरोधी आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा कार्रवाई क्यों नहीं करता सर, क्या कुछ ऐसी मजबूरी है उसकी? देखिए रेशु जी, हम कनाडा एंड पाकिस्तान को एक पेज पे नहीं रख सकते, ना हमें रखना चाहिए। पाकिस्तान से हमारे होस्टाइल रिलेशन है और होस्टाइल रहेंगे, अभी नहीं सुधर सकते। तो जो पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट में समझता है वो स्टेप्स वो लेता है, वो लेता रहेगा। हमारा पाकिस्तान पे नियंत्रण नहीं है, कनाडा पे भी हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कनाडा ट्रेडिशनली फ्रेंडली कंट्री रहा है और हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनका भी अच्छा फ्रेंड है। तो एक फ्रेंडली कंट्री को हम कन्विंस कर सकते हैं कि आपके यहाँ हालात इस तरह का है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते। लेकिन जैसा कि हम कहें कि वहाँ एनपीपी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी है, उनके किसी नेता को हम अगर आतंकवाद से जोड़कर देखें तो कनाडा इसको इजीली नहीं लेगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसके नेता को हम आतंकवाद से जोड़ के कहें तो ये कनाडा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। कनाडा ये कहता है कि हमारे यहाँ के लैंड लॉ ऑफ द लैंड है, वहाँ के लॉ अप्लाई होंगे, इंडिया के लॉ वहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया का जो पोजिशन है वो क्लियर कट है कि जो आतंकवादी है जिन्होंने इंडिया में अपराध किया है उनको या तो भारत को सौंपो, जी
या उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लो। तो कनाडा एक्शन लेने को तैयार नहीं है, उसमें ह्यूमन राइट्स हैं उनकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन किसी दूसरे देश में अलगाववाद को भड़काना, सेपरेट राष्ट्र की बात करना, हिंसा भड़काना, ये कोई न तो ह्यूमन राइट्स हो सकता, न ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता। इसलिए सर वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, लेकिन एक लाइन में जाते जाते यही कहना चाहेंगे कनाडा के लिए कि बोया वृक्ष बबूल का तो आम कहां से हुए। जिस तरह की चीजें कनाडा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।